ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बृहस्पति देवता अपनी गति को चेंज कर रहे हैं। कहा जाए तो बृहस्पति देवता एक ऐसे देव होते हैं जो कुंडली के पांच भाव के कारकत्व को देखते हैं। बृहस्पति देव को नैसर्गिक रूप से सौम्य ग्रह माना जाता है, एक ऐसा ग्रह जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करता है, एक ऐसा ग्रह जो कि आकाश तत्व माना जाता है और कुंडली के द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव, इन सभी के कारकत्व के रूप में भी जाने जाते हैं। धार्मिक गुरु के रूप में भी बृहस्पति देव को आप जानते हैं। बृहस्पति देव सामान्यतः 11 महीने तक एक राशि में रहते हैं और इनका फिर राशि परिवर्तन होता है। प्रत्येक वर्ष ये वक्री भी होते हैं और इनकी गति कुछ वर्षों में बहुत स्पीडली होती है और कुछ वर्ष में इनकी जो गति रहती है थोड़ी मंद चलती है। जैसे वर्ष 2025 में बात करेंगे तो बृहस्पति का प्रभाव वृषभ राशि भी, मिथुन और कर्क तीनों का प्रभाव आपको दिखाई देगा, क्योंकि अगले वर्ष बृहस्पति की गति काफ़ी तीव्र हो जाएगी। इस वर्ष प्रारंभ से ही बृहस्पति देवता वृषभ राशि में थे और वृषभ राशि में ही ये वक्री हो रहे हैं और नक्षत्र है मृगशिरा। वृषभ राशि में 27 अंश पर ये वक्री हो रहे हैं, यानी पीछे की ओर जा रहे हैं और ये 28 नवंबर एक ऐसा डेट होगा जब मृगशिरा नक्षत्र से निकल के फिर पुनः रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। इसके अलावा ये 27 फरवरी को जाकर वहाँ से मार्गी होंगे। तब तक इनका जो अंशात्मक बल होगा वो 27 अंश से निकल के ये पीछे जाएंगे 17 अंश तक और फिर वहाँ से ये मूव करेंगे और 14 मई 2025 को ये मिथुन में राशि परिवर्तन करेंगे। तो एक लंबी घटना होने वाली है और वक्री बृहस्पति प्रत्येक वर्ष रहते हैं लेकिन इस समय जब बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, इस समय आप देख रहे हैं कि कई जगह पर युद्ध की स्थिति भी बनी हुई है। विशेष रूप से इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरीके का युद्ध छिड़ा हुआ है वो भी देवगुरु बृहस्पति का इस समय वक्री होना युद्ध में एक शांति व्यवस्था प्रदान करना की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन गोचर में कहा जाए तो अक्टूबर महीना जो वर्तमान में अब चल रहा है इसमें बृहस्पति देवता तो गति वक्र कर लेंगे, शनि ऑलरेडी वक्री गति में है। राजा सूर्यदेव अपने नीचस्थ राशि में 17 अक्टूबर को आएंगे और 20 अक्टूबर को जो मंगल देव है जिनको सेनापति कहा जाता है वो भी अपने परम नीच राशि कर्क में गोचर करेंगे। तो हम ये समझेंगे इस वीडियो में और कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को संक्षेप में ही बनाया जाए और आपकी सुविधा के लिए प्रत्येक लग्न और राशि वाले जातक दोनों ही इसको देख सकते हैं। आपके लग्न के रिस्पेक्ट में क्या प्रभाव होगा, आपके राशि के रिस्पेक्ट में क्या प्रभाव होगा, दोनों ही को आप यहाँ पर गणना करके चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है, पसंद आता है तो ज़रूर इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इसको एक लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया का भी मैं वेट करूँगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल देव का नक्षत्र है। भले ही वृषभ राशि बृहस्पति की शत्रु राशि है लेकिन नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए तो मंगल का जो नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र है वो सदैव से देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रिय माना जाता है। इसमें बृहस्पति देव काफ़ी एक्टिवेटेड भी हो जाते हैं क्योंकि ऊर्जा से परिपूर्ण मंगल का ही ये नक्षत्र होता है और मंगल के नक्षत्र के साथ साथ इससे जब ये वक्री होंगे तो रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो नक्षत्र वाइज देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति मित्र नक्षत्र से मित्र नक्षत्र में ही वक्री होंगे और फिर वहीं से ये मार्गी होने वाले हैं। तो बृहस्पति देव साधारणतः किन लोगों को अब आगे प्रभावित करने वाले हैं,
ऐसे सभी लोग जिनका नक्षत्र या तो मृगशिरा है, या तो ऐसे सभी लोग जिनका नक्षत्र जो है वो रोहिणी नक्षत्र है, इन सभी लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव करेंगे। साथ में यदि आपकी मंगल या चंद्रमा की दशा चल रही है तो इस वक्री परिवर्तन के कारण आप पर बहुत सारे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मृगशिरा नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र माना जाता है। देखिए मृगशिरा नक्षत्र जो होता है वो सर्प योनि होती है और मृगशिरा नक्षत्र हल्का स्लेटी कलर का दिखाई देता है। ओवरऑल कहा जाए तो इसके अंदर रजस और तमस दोनों ही गुण पाए जाते हैं, लेकिन ये एक्टिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, बहुत जल्दी अपने प्रभाव में आते हैं। आपने मृग को देखा होगा किस तरीके से चंचलता करता है, और एक ही पॉइंट में अगर उसको एहसास हो जाता है कि कहीं पर खतरा है, वो हर काम को छोड़कर तुरंत यू टर्न लेता है और अपने लक्ष्य की तरफ वो भागना प्रारंभ कर देता है, अपने आप को सेफ करने की ये कोशिश करता है। तो मृगशिरा नक्षत्र में, क्योंकि ये थोड़ा चंचल नक्षत्र भी होता है, मूवमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और ज्ञान के लिए जो होता है ऐसे सभी नक्षत्र जिसमें चंचलता नहीं हो, ऐसे सभी नक्षत्र जो ज़्यादा स्थिर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्ञान हमेशा स्थिरता से प्रदान होती है, ज्ञान कभी भी चंचलता से प्रदान नहीं होती है। ज्ञान को ग्रहण करना होता है तो हम लोगों को भी सारे त्याग करके, और पढ़ाई जब हम करते हैं तो पूरे केंद्रित होकर अध्ययन करते हैं, जिससे कि ज्ञान का प्रवाह पूरे तरीके से मस्तिष्क तक पहुँचे। ठीक इसी तरीके से ये चंचल नक्षत्र है, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के जो जातक होते हैं चंचल तो होते हैं लेकिन उतने ही ज़्यादा स्फूर्ति वाले होते हैं और लगातार खोजते रहते हैं और कुछ ना कुछ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, लगातार रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, और अपने व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित भी करते हैं। तो बृहस्पति का जो ये नक्षत्र है बेहद, ये जो मंगल का नक्षत्र है जिसमें देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, निश्चित रूप से एक अच्छा नक्षत्र है, और ये 27 अंश पर जाकर ये वक्री होंगे 28 नवंबर यानी एक महीने के बाद की ये अपने पुराने नक्षत्र में जहाँ से चले थे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और रोहिणी नक्षत्र होगा, और रोहिणी नक्षत्र आप जानते हैं चंद्रमा का नक्षत्र होता है, और 27 नक्षत्रों में चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र सबसे ज़्यादा प्रिय माना जाता है, और चंद्रमा के प्रिय नक्षत्र में बृहस्पति जब जाते हैं या चंद्रमा की राशि में जब बृहस्पति जाते हैं तो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। यही रीज़न होता है जब ये कर्क राशि में जाते हैं देवगुरु बृहस्पति तो वहाँ पर ये परम उच्च के हो जाते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में भी इनका जो प्रभाव होगा सामान्यतः अच्छा रहेगा, और मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में जब ये वक्री होंगे तो इनके अंदर चेष्टा बल भी आ जाएगा। जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, अपने बॉडी डिटेल को डालते हैं, तो उसमें षडबल की गणना की जाती है, षडबल और भाव बल। तो षडबल में चेष्टा बल की भी हम लोग गणना करते हैं। चेष्टा बल का मतलब होता है फोर्स ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ अ प्लैनेट, मतलब जब कोई प्लैनेट वक्री होता है तो उस समय उसकी जो सापेक्ष गति होती है उसके हिसाब से जो एक आर्क बनता है, क्योंकि जब कोई वक्री होता है थोड़ा सा उसके अंदर आर्क बन जाता है, एक प्रकार से हिंदी में कहा जाए तो वृत्त का एक चाप बना लेता है, और वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी उस चाप की आकृति पर डिपेंड करती है, इसी को हम लोग चेष्टा बल कहते हैं। वक्री ग्रह को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि प्रभावशाली ग्रहों के समान इसका प्रभाव रहता है, तो बृहस्पति देव इस समय प्रभावशाली होने वाले हैं। विश्व में जो युद्ध की घटनाएं चल रही हैं, या मंगल और सूर्य दोनों ही अपने नीच राशि में रहेंगे और युद्ध का वातावरण है, तो इससे बचाने वाले भी जो एक देवता है वो देवगुरु बृहस्पति है। जब ये 28 नवंबर को ये राशि परिवर्तन करके, नक्षत्र परिवर्तन करके ये रोहिणी नक्षत्र में पहुँचेंगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेंगे, और जितनी प्रकार की ये युद्ध की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं उसको कुछ टाइम के लिए अल्प विराम भी देंगे।
वर्ष 2025 में अष्टग्रही योग का फॉर्मेशन 29 मार्च 2025 और सूर्य ग्रहण केतु पर सभी ग्रहों की दृष्टि भी रहेगी, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो यहां पर बनाऊंगा। फिलहाल हम लोग समझते हैं प्रत्येक लग्न प्रत्येक राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होता है, और आपको अगर इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों के लिए, अर्थात आपका लग्न या तो मेष है या तो आपकी राशि मेष है, ऐसे सभी जातकों के लिए बृहस्पति को नवम त्रिकोण का और द्वादश भाव का डिपार्टमेंट दिया गया है। बृहस्पति देवता वक्री हो रहे हैं, और कहां पर वक्री हो रहे हैं, आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी टेंडेंसी चेंज हो जाती है, मतलब उसकी दिशा चेंज हो जाती है, उसका लक्ष्य चेंज हो जाता है। अब ये आपके लग्न के तरफ इनका मूवमेंट रहेगा, भले ही ये लग्न के तरफ नहीं जाएंगे, 27 अंश पर जाकर रुक जाएंगे, लेकिन फिर भी इनकी जो टेंडेंसी होगी वो आपके लग्न के सापेक्ष होगी, और लग्न के सापेक्ष होने के कारण अगर ये लग्न में पहुंचते हैं तब तो दिशा बली होते हैं, लेकिन लग्न के तरफ जाएंगे तो आपकी मानसिक परेशानियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चीज़ स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य आपकी अगर लीवर से रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फेक्शन बढ़ गया था, वो सही नहीं हो रहा था, आप हॉस्पिटलाइज थे, तो ऐसे कंडीशन में अब वक्री बृहस्पति आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम देने वाले हैं और आपको जल्दी स्वस्थ भी करेंगे। निश्चित रूप से बृहस्पति देवता कारक भाव में ही वक्री हो रहे हैं, और द्वितीय भाव परिवार का होता है। परिवार में अगर किसी प्रकार की परेशानी हो गई, आर्थिक रूप से किसी प्रकार की समस्या थी, उस सभी समस्याओं को ये खत्म करेंगे और बहुत ही अच्छा माहौल परिवार में बनाने वाले हैं। और साथ में भाग्य का जो सपोर्ट आपको अगर नहीं मिल रहा था तो ये वक्री बृहस्पति निश्चित रूप से भाग्य के भी मालिक हैं, विदेश के भी मालिक हैं, तो भाग्य का सहयोग भी आपको मिलेगा और विदेशों से ऑनलाइन से दूर संचार माध्यमों से भी आपको लाभ की स्थिति यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। न्यायिक मामलों में थोड़े से डिले भी कराने की कोशिश करेंगे, और जो विद्यार्थी वर्ग जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं ऐसे सभी लोगों के लिए विद्या अर्जन में कुछ चैलेंजेस लाएंगे, और उन चैलेंजेस को आपको अपनी बुद्धिमत्ता और अपने परिश्रम के बल से दूर करना पड़ेगा ताकि जो परिणाम हो आपके पक्ष में आए। तो ओवरऑल मुझे मेष लग्न में ये जो वक्री गति हो रही है वो अच्छी दिखाई दे रही है, और बृहस्पति देव यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम भी देने वाले हैं, चाहे इनकी पांचवी दृष्टि देखा जाए, चाहे सातवीं देखा जाए, चाहे नवम दृष्टि, हर तरीके से अच्छा रहेगा। जो लोग कार्य व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं और साथ में नौकरी पेशा में भी अगर इन्वॉल्व हैं, दोनों में से किसी एक फॉर्म में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति ज़रूर मिलेगा। जिनके जॉब छूट गए थे उनको जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है, लेकिन याद रखिएगा कर्म स्थान पर राजनीतिक षड्यंत्र अभी भी कंटिन्यू रहेगा, इसलिए उपाय कीजिएगा, विष्णु सहस्र नाम का पाठ कीजिए और कोशिश कीजिए ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप इस ड्यूरेशन में करते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। अब हम अगले लग्न राशि की बात करते हैं, वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि हो। देखिए वृषभ लग्न या वृषभ राशि ऐसे दोनों ही जगह पर देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान है। अब इनकी जो टेंडेंसी है, क्योंकि अब ये जस्ट निकलने वाले थे, 27 अंश तक पहुंच चुके थे, और कुछ टाइम के बाद अगर ये वक्री नहीं होते तो ये मिथुन में पहुंच जाते, लेकिन ये वक्री हो गए हैं, अब ये फिर इनका जो दिशा बल होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि एकदम 15 अंश पर कहा जाए तो ये दिशात्मक बल इनका पूरा ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और बृहस्पति देवता की टेंडेंसी आपके लग्न की तरफ रहेगी और टारगेट जो है वो द्वादश की तरफ भी रहेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का बैठना विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा रहने वाला है,
प्रेम प्रसंग में अगर किसी प्रकार का मनमुटाव था तो उन मनमुटाव को भी ये दूर करने वाले हैं। बृहस्पति देव यहाँ से धर्म को देखेंगे तो धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बहुत तेजी से बढ़ेगी। फाइनेंस से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी थी या लाभ भाव में किसी प्रकार से आपको परेशानी चल रही थी, लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो ये परिवर्तन जो वक्री गति हो रही है लगभग 27 फरवरी 2025 तक 119 दिनों की जो ये वक्री गति है ये आपके लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बृहस्पति के रिस्पेक्ट में अच्छा परिणाम रहेगा। लेकिन याद रखिएगा बृहस्पति देव आपके लिए कभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं क्योंकि आपके लग्न के आपकी राशि के शत्रु होते हैं। इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो अष्टम का डिपार्टमेंट दिया गया है, इनको डिपार्टमेंट दिया गया है एकादश भाव का। तो लाभ की स्थिति जहाँ पर बढ़ाएंगे वहीं पर बाधाओं का स्थान जो कि अष्टम होता है उसको लेकर लग्न में बैठेंगे तो थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर मानसिक रूप से जो स्वास्थ्य रहेगा वो पीड़ित होगी। ओवरथिंकिंग अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इससे कोई परेशानी आपकी सॉल्व नहीं होगी अपितु जो परेशानी होगी वो बढ़ेगी। इसलिए बिल्कुल भी ओवरथिंकिंग इस समय नहीं करना चाहिए। और शुक्र देवता वर्तमान में मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाए हैं, इसलिए शुक्र का ही बीज मंत्र कीजिए। और इस पूरे ड्यूरेशन में अगर आप पीले कलर के वस्त्र या पीले कलर के पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं भगवान विष्णु को श्री हरि को तो निश्चित रूप से आपका जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं जो अष्टमेश का दोष लेकर लग्न में बैठ रहे हैं और इसको मजबूत कर रहे हैं, इस दोष को कई प्रकार की रुकावटें आपके शरीर में डेवलप करेंगे, उनको ये खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो वृषभ लग्न वाले जातकों को थोड़ा यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। इसके बाद हम मिथुन लग्न वाले जातकों की बात करेंगे। देखिए मिथुन लग्न में बृहस्पति देव जो बनते हैं एक तो सप्तमेश होते हैं सप्तम भाव के मालिक और दूसरे आपके दशमेश होते हैं दशम भाव के मालिक होते हैं और गोचर में ये द्वादश भाव में जा रहे हैं। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति जब भी जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके दैनिक रोजगार को लेकर आपके ट्रैवलिंग पे चले गए और एक्चुअली में ये बाहर आने वाले थे 27 अंश तक पहुंच गए थे, अब ये पीछे की ओर जाएंगे तो इनकी जो टेंडेंसी रहेगी वो एकादश भाव के तरफ इनका टारगेट रहेगा लेकिन फिर भी 17 अंश पर जाकर ये रुक जाएंगे। इसलिए व्यय की अधिकता को मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए बढ़ाएंगे। दैनिक रोजगार में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा न्यायिक मामलों में कहा जाता है कि अगर शुभ ग्रह स्त्रिक भाव में पहुंच जाते हैं तो वहां पर कठिनाई उत्पन्न करते हैं। इसलिए बृहस्पति देव ऑलरेडी द्वादश भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से इस समय आपको परेशानी हो सकती है। आपके जीवन साथी के एक बार फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने की संभावना बढ़ सकती है या आपके जो खर्च होंगे आपके जीवन साथी पर कुछ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं के योग भी परिवार के साथ आपके बनेंगे जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है क्योंकि जब इंसान हर चीज़ों से परेशान हो जाता है तो धर्म की राह को खोजता है और धर्म में और अध्यात्म में विश्वास करना प्रारंभ करता है और यही रीज़न है कि जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले दोनों जातक हैं उनके लिए ये जो वक्री गति होने वाली है आपको धार्मिक भी बनाएगा और साथ में आपको कुछ नए चैलेंजेस भी रहेंगे। इस समय न्यायिक मामलों में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी और आपको गणेश भगवान की आराधना करनी चाहिए और श्री हरि के चरणों में प्रतिदिन आपको पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध का बीज मंत्र करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों का क्या प्रभाव होगा आइए हम समझते हैं। देखिए कर्क लगन है या कर्क राशि वाले जातक हैं ऐसे सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव अत्यंत योग कारक होते हैं क्योंकि बृहस्पति आपके नवम भाव के मालिक बनते हैं, आपके षष्ठेश होते हैं लेकिन षष्ठम का दोष नहीं लगता है क्योंकि षष्ठम भाव ये योग कारक ग्रह है। षष्ठम का डिपार्टमेंट मिला है लेकिन ये भी वहाँ पर जाकर आपको
बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, आपके हिडन शत्रु से आपको बाहर करने की कोशिश करते हैं, आपको कंपटीशन में विजयी बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो ये परिवर्तन रहेगा वो कैसा रहेगा। देखिए, बृहस्पति देव वर्तमान में आपके लग्न भाव, राशि भाव दोनों से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये क्योंकि थोड़ा पीछे चले जाएंगे, 27 अंश से निकल के ये पीछे होकर 17 अंश तक जाएंगे। हालांकि एक ही दिन में नहीं होगा, 119 दिन इनको लगेंगे, लेकिन इनकी जो टेंडेंसी रहेगी वो केंद्र भाव की तरफ रहेगी और इनका जो फल रहेगा एकादश में वैसे ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आप किसी प्रकार का बृहस्पति रिलेटेड कोई काम करते हैं, कंसल्टिंग का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप स्कूल चलाते हैं या किसी भी प्रकार के जो अध्ययन से संबंधित कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप सम्मिलित हैं, तो ये वक्री गति होना आपके लिए लाभप्रद एक बार पुनः देने वाला है। एक तो आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनसे थोड़ी सी परेशानियां जो हो रही थी उनको ये कम करेंगे, आपके आत्मविश्वास को ये बढ़ाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ अगर कुछ मनमुटाव चल रहा था तो उन मनमुटाव को ख़त्म करेंगे, आय के साधन को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, पराक्रम को देखेंगे तो पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। इस समय जो आपके मित्र मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे और साथ में आप नई ऊंचाइयों पर एक बार पुनः इस वक्री बृहस्पति के कारण आपको वर्ष 2024 के 28 नवंबर तक बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है। और उसके बाद जब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तब तो और भी अच्छा रिजल्ट कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों जातकों को यहाँ पर मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से कहा जाए कि पिता के लिए भी अच्छा, भाग्य के लिए भी अच्छा, इनकम के लिए भी अच्छा, संतान के लिए भी अच्छा। कहीं पर भी मुझे कोई नकारात्मक चीज़ें एटलीस्ट बृहस्पति देव के, चाहे वो मृगशिरा नक्षत्र में हो चाहे वो रोहिणी नक्षत्र में हो, दोनों ही जगह मुझे बहुत ही अच्छे परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस परिणाम को और अच्छा करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादशाक्षर मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम अगले लग्न और राशि की बात करने वाले हैं, सिंह लग्न सिंह राशि दोनों के लिए। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि दोनों ही जातकों के लिए बृहस्पति देव योग कारक होते हैं। बृहस्पति देव को देखा जाए तो अष्टमेश, हालांकि अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, अत्यंत योग कारक होते हैं, पंचम त्रिकोण के मालिक भी बन जाते हैं, एक त्रिकोण का मालिक और साथ में गूढ़ रहस्य। जो अष्टम होता है हमेशा अष्टम को अशुभ नहीं मानना चाहिए, अष्टम एक मिस्ट्री है, अष्टम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर योग प्राणायाम अपनी छठी ज्ञानेंद्रियों को जागृत करने का स्थान माना जाता है और अकल्ट साइंस के लिए जाना जाता है, रहस्यों से परिपूर्ण होता है अष्टम भाव। और अष्टम भाव और पंचम भाव दोनों के मालिक होकर बृहस्पति देव जो हैं आपके दशम भाव में ये वक्री होंगे और दशम भाव में वक्री होने से आपके परिवार में इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी। तो निश्चित रूप से पारिवारिक जीवन का जो सुख है वो बढ़ेगा। परिवार में आपकी किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, किसी से विवाद चल रहा था, तो वो विवाद खत्म होगा। द्वितीय भाव धन का भी होता है और योग कारक बृहस्पति देखेंगे तो धन से संबंधित किसी प्रकार की जो कमी थी वही बृहस्पति देव यहाँ पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ में माता के स्थान को देखेंगे, आपके चतुर्थ भाव के स्थान को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको मानसिक शांति जो होता है वो बृहस्पति देव देंगे। यहाँ पर आपका जो अध्ययन करने का जो मूड होगा वो ज़्यादा होगा, विशेष रूप से ऐसे लोग जो प्रोफेशनली कुछ नया सीखना चाहते हैं, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि नए जो विज्ञान के साथ चीज़ें जुड़ गई हैं। आज हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, तो सभी लोग अपने आप को अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि समय के साथ रहकर और समय से मुकाबला करने के लिए हमें अपग्रेड करना ज़रूरी होता है। तो जितने भी सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातक हैं बहुत ही अच्छा समय, 119 दिन का एक प्रण ले लीजिए, इसमें आपको अपग्रेड करना है क्योंकि गोचर में बृहस्पति देव आपके मानसिक
चीजों को कर्म क्षेत्र में लगाएंगे और अपग्रेड भी करेंगे। अगर आप अपग्रेड हो जाते हैं तो आने वाले 10 साल की जो भी परेशानियां होंगी अपग्रेड करने से आपको राहत देंगे। तो निश्चित रूप से ये समय आपके मानसिक सृजनता को बढ़ाने का है, मानसिक विकारों को खत्म करने का है, परिवार और मानसिक शांति सभी चीज़ें बढ़ाने का है और कर्म स्थान पर धैर्य रखने का ये समय है। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये वक्री गति कैसा रिजल्ट देगा। देखिए कन्या लग्न और कन्या राशि में बृहस्पति देव को एक तो चतुर्थ भाव मिला है और साथ में सप्तम भाव का भी मालिक बनाया गया। चतुर्थेश हैं, सप्तमेश हैं और ये वक्री हो रहे हैं, आपके भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं, भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं। आपके लग्नेश जो हैं यानी बुध, वो बृहस्पति को न्यूट्रल मानते हैं, लेकिन बृहस्पति देव बुध को शत्रु दृष्टि से देखते हैं। शत्रु राशि में बैठे हैं लेकिन मित्र नक्षत्र में बैठने के कारण थोड़ी सी चैलेंजेस यहाँ पर आपके लिए डेवलप पुनः करने वाले हैं। किस प्रकार के ये चैलेंजेस हो सकते हैं? ज्ञान के क्षेत्र में कॉम्पिटिशन, तो ये चैलेंज तो बहुत अच्छा है। ज्ञान के क्षेत्र में अगर चैलेंज बढ़ जाए तो जो भी ज्ञानी लोग हैं उनको ज़रूर पता होगा कि अपने आप को आप अपग्रेड कर सकते हैं और चैलेंजेस लेना और चैलेंजेस के साथ डटे रहना ये ज्ञानी लोगों की निशानी होती है। तो निश्चित रूप से आप अध्यात्म का मार्ग पकड़ेंगे और साथ में धार्मिक यात्राएं भी इस समय बहुत ज़्यादा होगी। लग्न पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाएगी और आपकी पर्सनालिटी ज्ञान के कारण ज़रूर बढ़ने वाली है। आपके चेहरे पर एक चमक ये वक्री बृहस्पति देने वाले हैं, साथ में एक त्रिकोण में बैठ के दूसरे त्रिकोण को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको उदर संबंधित अगर कुछ बहुत बड़ी परेशानियां बीच में उत्पन्न हो गई या मानसिक अवसाद उत्पन्न हो रही थी तो वो मानसिक अवसाद और बीमारियों को बहुत हद तक ये मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका लग्नेश इसको न्यूट्रल मानता है। इसलिए इस समय पीले रंग के वस्तुओं का दान करना, चाहे वो मीठे रूप में हो यानी मिठाई के फॉर्म में हो या आप वस्त्रों के फॉर्म में कहा जाए या पुष्पों के फॉर्म में कहा जाए, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर श्री नारायण जी और लक्ष्मी माता के चरणों में आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जो ये पूरा समय है इसमें आपको सद्बुद्धि मिलेगी, आपके जो मित्र थे वो भी अच्छे बनने प्रारंभ हो जाएंगे क्योंकि पराक्रम पर भी बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी तो पराक्रम स्थान पर भी अच्छे रिजल्ट आपको देंगे, साथ में आपका आत्मविश्वास भी ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब हम अगले लग्न और राशि की बात करते हैं। तुला लग्न तुला राशि वाले जातकों के लिए वक्री बृहस्पति कैसा परिणाम देने वाले हैं? देखिए बृहस्पति देव तुला लग्न में बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि आपके लग्न के शत्रु हैं, षष्ठम स्थान का दोष भी इनको लगता है और साथ में मेहनत के मालिक भी हैं। इसका मतलब है मेहनत भी कराएंगे और आपके गुप्त शत्रु को भी एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे और ये अष्टम स्थान पर चले गए हैं, छठवे का मालिक, छठवे घर का मालिक अगर अष्टम में चला जाए तो क्या यहाँ पर विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन होगा? आंसर है 100% नहीं होगा। ये 100% तभी होगा जब आपका लग्नेश लग्न में होगा। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो जब तक केंद्र स्थान पर मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है तब तक तो ये रिजल्ट आपको अच्छा देंगे, लेकिन शुक्र का राशि परिवर्तन फ्रिक्वेंटली 20-25 दिनों में होता रहता है तो मैक्सिमम टाइम पर ये विपरीत राजयोग नहीं बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर बृहस्पति का आपको नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ये प्रभाव किस तरीके का प्रभाव होगा? एक तो उदर संबंधित परेशानी उत्पन्न होगा क्योंकि बृहस्पति देव हमेशा बॉडी को फैटी करने की कोशिश करते हैं। विशेष रूप से इनका जो प्रभाव होता है लीवर के आसपास का जो एरिया होता है उसको ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो लीवर के फैटीनेस को बढ़ा सकते हैं और मानसिक विकार भी यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। जहाँ पर बैठ रहे हैं वहाँ से आपके द्वादश को देखेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन को देखते हैं,
तो अगर आप पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तब तो अच्छा है, नहीं तो किसी ना किसी तरीके से आपको न्यायिक मामलों में अवरोध उत्पन्न कराएंगे। कुल मिलाकर चाहे इनकी पांचवी दृष्टि देखा जाए, चाहे ये सातवीं दृष्टि देखा जाए, चाहे नौवीं दृष्टि देखा जाए, हर दृष्टियों का जो प्रभाव रहेगा खुद अष्टम में जाने के कारण छोटे भाई बहनों से वाद विवाद उत्पन्न करना और कंपटीशन में सफलता जल्दी ना देना, ये दोनों काम बृहस्पति देव यहाँ पर करने वाले हैं। करना तो आपको केवल एक ही काम है कि जो बुध का बीज मंत्र है और जो शुक्र का बीज मंत्र है, इन दोनों बीज मंत्र को कीजिए और कोशिश कीजिए 119 दिन तक, जब तक ये वक्री रहेंगे तब तक आपको पीले रंग के चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगले लग्न और राशि की बात करते हैं, अर्थात वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, आइए हम समझते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि में बृहस्पति देव पंचम त्रिकोण के मालिक हैं और धनेश भी होते हैं, अत्यंत योग कारक और गोचर में सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं, तो एक मौका यहाँ पर आपको पुनः एक बार देने वाले हैं। ये मिथुन राशि में जाने से पहले एक मौका आपको और देने वाले हैं और ये मौका रहेगा पार्टनरशिप में, एक अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर पार्टनरशिप किसी तरीके से टूट रही थी, किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था, तो ये मतभेद अब खत्म होगा और ये वक्री बृहस्पति 119 दिनों तक जब तक यहाँ सप्तम भाव में रहेंगे तब तक आपको आपके जीवन साथी का सहयोग भी देंगे और साथ में धन की प्राप्ति कराएंगे और मानसिक पीड़ा को खत्म करेंगे, उदर संबंधित विकारों को खत्म करने का प्रयास ये करेंगे और साथ में आपका जो व्यक्तित्व है वो बढ़ाएंगे। जो भी लोग वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक हैं और उनका जुड़ाव एजुकेशन फील्ड में है, किसी ना किसी तरीके से बृहस्पति से आपका जुड़ाव है, चाहे वो लकड़ी से रिलेटेड हो, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो कपड़े से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, इन सभी फील्ड में आपको एक अच्छा परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं और साथ में आय के साधन को बढ़ाएंगे और आपके जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपको इस समय सपोर्ट करेंगे, आपके छोटे भाई बहनों का भी मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, उनसे आपको सहयोग अच्छा मिलने वाला। ओवरऑल बृहस्पति देव यहाँ पर निश्चित रूप से कोई डाउट नहीं है कि आपके रिजल्ट अच्छे ही देने वाले हैं। धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों का क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं। देखिए, धनु लग्न और धनु राशि, क्योंकि आपके लग्नेश बृहस्पति इस समय षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं और जब भी लग्नेश षष्ठम में जाता है द्वादश को सीधा देखता है, यानी आपकी बॉडी को लेकर विदेश में देख रहा है, आपकी पूरी बॉडी यानी लग्न को, राशि को, मन को या बॉडी को लेकर विदेश को देखेगा। तो एक प्रकार से जो स्थान परिवर्तन आपने बीच में अगर किया था वर्ष 2024 में जब बृहस्पति देव वृषभ में गोचर किए थे, एक बार पुनः ऐसी कंडीशन बन सकती है कि एक प्रकार का स्थान परिवर्तन हो सकता है, या आपके अगर जॉब चले गए थे तो उस जॉब को फिर रिटेन कर लेंगे, जिससे स्थान परिवर्तन तुल्य योग ही बनने वाला है। तो ओवरऑल ये योग जो बनेगा आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति देव यहाँ पर रहेंगे लेकिन आपके खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपके मानसिक तनाव को कम करेंगे लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पर फिर बढ़ा सकते हैं, माता के हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च की संभावना फिर से बढ़ सकती है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं उसके लिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे और साथ में कार्यस्थल पर जो राजनीति चल रही थी उस राजनीति से भी पुनः एक बार बचाव करने वाले हैं। गले संबंधित किसी प्रकार के रोग आपको दे सकते हैं इस ड्यूरेशन में, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको गले में विकार ज़्यादा रहता है, उनको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम अगले लग्न और राशि की बात करते हैं, मकर लग्न मकर राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति को जो स्थान दिया गया है वो एक तो द्वादश का स्थान दिया गया है जो कि अच्छा नहीं है, साथ में मेहनत का भी स्थान दे दिया गया है और गोचर में आप पंचम में चले गए हैं और ये वक्री हो रहे हैं। जब ये वक्री होंगे तो पिछले दिनों अगर आपके साथ कोई परेशानी डेवलप हुई है, किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, किसी भी तरीके की अगर आपने परेशानी झेली है
तो ये परेशानियों से बचाव करने की कोशिश करेंगे, आपको हर तरीके से समृद्ध करने की कोशिश करेंगे। पंचम इनका कारक भाव होता है, कारकत्व में जब जाएंगे बृहस्पति देव तो कभी भी कोई परिणाम नकारात्मक नहीं देंगे। साथ में इस समय देखा जाए तो तात्कालिक मित्रता में भी गोचर में रहेंगे आपके लग्नेश के सापेक्ष, तो हर तरीके से मानसिक तनाव को कम करेंगे। आपकी जो अभिरुचि होगी वो धार्मिक क्षेत्र के तरफ बढ़ जाएगी, और साथ में पिता के स्वास्थ्य में भी अगर कोई परेशानी थी तो वो परेशानी खत्म करेंगे। ओवरऑल जो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले लग्न जो जातक हैं, यानी मकर लग्न के, मकर राशि के जितने भी जातक हैं, उनके लिए एक यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है बिजनेस को लेकर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है सेटलमेंट को लेकर। आय के साधन को आप बढ़ा सकते हैं, अगर आप अपना कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं या किसी प्रकार के धार्मिक कार्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट है, आप धर्म गुरु हैं या धर्म से रिलेटेड किसी प्रकार का काम करते हैं, कपड़े से रिलेटेड कोई काम करते हैं, लकड़ी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो इन सभी कार्यों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। आप टेक्निकल हैं तो भी आपके लिए एक समय, ये समय आय के साधन को बढ़ाने वाला होगा, पुरानी विपत्तियों को खत्म करने वाला होगा, और संतान की तरफ से अगर कोई चिंता बढ़ गई थी तो ये चिंता संतान की खत्म करेंगे और ओवरऑल रिजल्ट आपके लिए अच्छा देंगे। लेकिन मेहनत ज़रूर यहाँ पर कराएंगे और ये मेहनत आपको ज़बरदस्त अब करनी पड़ेगी। इसके बाद हम कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में बात करते हैं। देखिए कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो बृहस्पति देव हैं वो आपके इनकम के मालिक हैं, आपके संचित धन के मालिक हैं और सुख भाव में ही जाकर वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति देव गोचर में एक बार आपको निश्चित रूप से धन से सुखी करने का पूरा प्रयास करेंगे, यानी जो धन है वो आपके पास आएगा और उसके कारण आपकी जो परिवार में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, इनकम को लेकर, धन को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही थी, इस परेशानियों को ये खत्म करेंगे और मानसिक शांति देंगे। अगर आप पॉलिटिकली रूप से जुड़े हुए हैं तो आपको जनता इस समय सहयोग देने वाली है, और साथ में जो लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं उनके लॉस को कम करने का प्रयास करने की पूरी कोशिश बृहस्पति देव करेंगे। लेकिन बृहस्पति देव आपको स्वास्थ्य में बहुत सारी परेशानी यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, विशेष रूप से जब ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 28 नवंबर 2024 को, उसके बाद ये थोड़े ज़्यादा परेशानी डेवलप कर सकते हैं। इस समय जो परेशानी रहेगी वो मानसिक रूप से ज़्यादा परेशानी डेवलप हो सकती है, हालांकि आर्थिक रूप से परेशानी सॉल्व होगी लेकिन मानसिक रूप से परेशानी इस समय थोड़ी बढ़ सकती है। आपको बेहद सावधानी के साथ इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपना फोकस, अगर आप कागज़ से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अगर आप बृहस्पति से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, और बृहस्पति से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसमें कागज़, लकड़ी, जेम्स, ज्वेलरी, इसके अलावा कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, इन सभी कार्यों में आपको सकारात्मक परिणाम देंगे और आय के साधन को भी बढ़ाएंगे। लेकिन खर्च जो है ज़्यादा होगा। इस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। अंतिम लग्न और अंतिम राशि वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव होगा आइए हम समझें। देखिए मीन लग्न मीन राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि नेम फेम में जाकर बैठे हुए हैं और वहीं पर वक्री हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, वक्री गति हो रहा है, एक बार पुनः आपके छोटे भाई बहनों का जो मान पद प्रतिष्ठा है वो बढ़ाने वाले होंगे, और साथ में आपका भी जो मान पद प्रतिष्ठा होगा वो बढ़ेगा। आपकी मेहनत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, साथ में धर्म के प्रति आपका जो झुकाव रहेगा वो आपके मानसिक विकारों को दूर करने वाला होगा। बृहस्पति देव यहाँ से आपके जीवन साथी को भी देखेंगे, तो जीवन साथी के साथ जो भी समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में थोड़ा सा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे ही ये रोहिणी में जाएंगे वैसे ही आपकी बहुत सारी परेशानी कम हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके संतान पर अगर किसी प्रकार की कोई चिंता चल रही थी, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, वो परेशानी कुछ हद तक बृहस्पति देव यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। डायरेक्टली आय को देखेंगे तो आय के साधन को बढ़ाएंगे और दैनिक रोजगार में अवरोधों को दूर करेंगे। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न
मीन राशि तक का यानी लग्न राशि दोनों के हिसाब से कैसा परिणाम होगा। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को जो वक्री हो रहे हैं और 28 को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और 27 फरवरी को फिर ये मार्गी होंगे और फिर अपना 2025 में 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस पर ये पूरा संक्षेप में मैंने प्रत्येक लग्न के बारे में बताने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा लगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा केवल अपने टाइमलाइन पर ही जो आपको देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके केवल उतने पार्ट को देखिएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने प्रॉपरली आपकी बातों को समझा पाया हूँ तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818318303। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी info@kundliexpert.com है और आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, ओम नमः शिवाय।